हमें गाना चाहिए परमात्मा को। वैसे परमात्मा ना तो गाने से प्रसन्न होता, ना रोने से वो द्रवित होता हमारे, वो हमारे सदैव शुभाशुभ कर्मों के अपने न्यायिक व्यवस्था से फल देता है। कई लोग कहते हैं जी भगवान नाराज हो जाता है, परमात्मा नाराज हो जाएगा। नाराज नहीं हो सकता वो, ना उसे कोई नाराज कर सकता, वो नाराज हो भी नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं उसको नाराज कर दे, क्योंकि नाराज तो वो होता है जिसका राज ना रहे वो नाराज। जैसे घर में बहू आ गई तो बहू का राज, सास नाराज। ये जी मनमोहन सिंह जी का राज नहीं रहा, मोदी जी का राज तो मनमोहन सिंह नाराज। तो ऐसा कोई ताकत है जो ईश्वर को नाराज कर दे? वेद का मंत्र तो कह रहा है कि वो ईश्वर इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, और वो एक ही विराजमान राजा है। विराजमान राजा कहा उसको, राजा विराजमान नहीं, उसको किसी ने विराजमान नहीं किया, वो स्वयं विराजमान है, पूर्व से है। तो वो तो राजाओं का भी राजा है, किसी का बनाया हुआ राजा नहीं है, उसको कोई नाराज भी नहीं कर सकता। उसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे देश में ब्राह्मण विद्वान हो, क्षत्रिय बलवान हो, वैश्य धनवान हो, पुत्र यजमान हो, जो नारियां हैं वो सद्गृहिणी हो, और यहाँ पर जो है धन धान्य की जो है किसी प्रकार की कोई न्यूनता ना रहे, और समय पर वर्षा होती रहे, औषधियाँ वनस्पतियाँ सब रसों से युक्त हों, और प्रभु जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य और बुद्धि हमको दे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा का भी हमको जिम्मेदारी जो है हमारी उसको भी रक्षा करने का सामर्थ्य दे। ये भाव ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है। तो आइए एक गीत और आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ, और समय केवल 20 मिनट का, तो 20 मिनट में से 11 मिनट तो चले गए, 11:30। अब इस 8:30-9 मिनट और मेरे पास है, 9 मिनट मान लीजिए। तो आइए एक गीत। ऋग्वेद का एक मंत्र है, अध पश्यस्व मोपरि संतराम पाद कौहर मा ते कशप्ल कौ दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभोविथ। आज ये महिला सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो वेद का मंत्र नारी के संबंध में कुछ कह रहा है। यहाँ नारी की मर्यादा, नारी का शील जहाँ इस मंत्र के अंदर उपस्थित है, वहाँ स्त्री का जो स्थान है, पद है, उस गरिमा को भी हमें जताता है, बताता है। उसको गीत के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। नारी तू जग की मेहतारी, नारी तू जग की मेहतारी, तेरे कारण ही गुलशन की, तेरे कारण ही गुलशन की महके क्यारी क्यारी। नारी तू जग की मेहतारी, नारी तू जग की मेहतारी। राम भरत की माता तू है, राम भरत की माता तू है, श्री कृष्ण की धाता तू है, श्री कृष्ण की धाता तू है, उन
सबकी निर्माता तू है, जितने नर अवतारी नारी तू जग की मेहतारी नारी, तू जग की मेहतारी तेरे कारण ही गुलशन की, तेरे कारण ही गुलशन की महके क्यारी क्यारी नारी, तू जग की मेहतारी नारी, तू जग की मेहतारी। चलना नीचे करके पल के, चलना नीचे करके पल के, देख तेरे नाम टखने झल के, देख तेरे नाम टखने झल के, ज्ञान कर्म के दो पांव को रखना संभल जरारी नारी, तू जग की मेहतारी नारी, तू जग की मेहतारी तेरे कारण ही गुलशन की, तेरे कारण ही गुलशन की महके नारी, तू जग की मेहतारी नारी, तू जग जीवन के इस दुर्गम मग में, जीवन के इस दुर्गम मग में कांटे चुभ ना जाए पग में, कांटे चुभ ना जाए पग में, झाड़ों में कहीं उलझ न जाए तेरी सुंदर सारी नारी, तू जग की मेहतारी नारी, तू जग की मेहतारी तेरे कारण ही गुलशन की महके क्यारी क्यारी नारी, तू जग की मेहतारी नारी, तू जग की मेहतारी। छोटों पर तू दया बरतना, छोटों पर तू दया बरतना, और बड़ों में श्रद्धा और बड़ों में श्रद्धा रखना, परमेश्वर का अपने मन में रखना ध्यान सदारी नारी, तू जग की मेहतारी नारी नारी, जग की मेहतारी नारी, तू जग की मेहतारी। वेद कहता है नारी की मर्यादा,
विद्वानों ने कहा नारी का और नदी का एक जैसा स्वभाव होता है। जैसे नदी दो कुलों के बीच में बहती है, ऐसे ही नारी दो कुलों के बीच में रहती है। अब कुल और कुल को आप समझ गए होंगे, कुल माने वंश, दो वंशों की मर्यादाओं के बीच में रहती है, पिता के कुल की और पति के कुल की। और नदी दो कुलों के बीच में बहती है, कुल मीन्स किनारे, दो किनारों के बीच में बहती है। तो जब तक नदी दोनों किनारों के बीच में बहती है तब तक वो हरियाली का और खुशहाली का साधन बनती है, और जब दोनों किनारों की मर्यादाओं को तोड़ देती है तो बाढ़ का रूप धारण करके विनाश का कारण बन जाती है। नारी भी जब दोनों कुलों की मर्यादा का पालन करते हुए आगे चलती है तो यशस्विनी होती है, उत्तम संतानों को जन्म दे करके एक भव्य सुंदर समाज का निर्माण करती है, और जब दोनों वंश की मर्यादाओं को तोड़ देती है तो कुलटा आदि और न जाने क्या क्या तो अपने नाम रखा लेती है और विनाश का ही कारण बन जाती है।